हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये तो पता है कि उनको फाइमोसिस है या टाइट फ्रेनुलम की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सही इलाज क्या चुने, सर्जरी कौन सी चुने, इसके बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उनको रहता है। तो आज की ये वीडियो मेरे उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको मैंने बताया है कि आपको फाइमोसिस है और ये थोड़ा सा मॉडरेट फाइमोसिस या सीवियर फाइमोसिस है और इसमें कोई ना कोई सर्जरी आपको करानी होगी। तो अगर ये आपका डायग्नोसिस बन चुका है फाइमोसिस का, यानी कि आपकी लिंग की जो आगे की चमड़ी है वो टाइट है और वो खुल के पीछे नहीं जा रही है, यानी कि सिर्फ इतना पीछे जाती है कि आगे यूरिन का छिद्र दिख सके या फिर काफ़ी हिस्सा जो ग्लैंड्स का वो दिख सके पर पूरा पीछे कोरोनल सर्कस के बियॉन्ड नहीं जाती है, तो आपको फिर इस वीडियो को देखना चाहिए और इसमें जो वेरियस टाइप्स के हमने सर्जरीज बताए हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के बारे में चर्चा की है, उनके बारे में थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहले जब हम सर्जरी चूज करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है समझना कि क्या ये सच में टाइट फोरस्किन है या ये टाइट फ्रेनुलम की प्रॉब्लम है। और इसके बारे में ही हमने पहले चर्चा की एक और वीडियो में कि फ्रेनुलम क्या होता है, उसकी टाइटनेस से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और जो हमारा सर्कमसीजन है वो हमें फाइमोसिस के लिए कराना होता है, ना कि फ्रेनुलम टाइट होने के लिए। तो जब हम सर्कमसीजन की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के सर्कमसीजन होते हैं ग्रॉसली। एक तो होता है पार्शल सर्कमसीजन, यानी कि कुछ हिस्सा हम जो है खाल का हटा रहे हैं। दूसरा होता है कंप्लीट सर्कमसीजन, यानी कि पूरी की पूरी जो आगे की खाल है जो ग्लैंड्स को कवर करती है वो सारी हटा दें, सिर्फ लिंग की जो शाफ्ट है या जो पीछे का जो पाइप है उसके ऊपर की जो खाल है वो हम छोड़ देते हैं। तो जो पूरा पिंक एरिया ग्लैंड्स का है वो पूरा का पूरा फिर बाहर आ जाता है और बाहर ही रहता है। अब इस तरह के सर्कमसीजन से जिसको हम क्लासिक सर्कमसीजन कहते हैं या कंप्लीट सर्कमसीजन कहते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी की वजह से बहुत इसमें परेशानी रहती है, यानी जब वो ग्लैंड्स बाहर आ जाता है तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसके बाद जो आगे कुछ दिन है वो काफ़ी दिक्कत में निकलते हैं पेशेंट्स के, उनको पट्टी रखनी पड़ती है या फिर उनको लगता है कि धीरे धीरे सा सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर जो सेंसिटिविटी थी पहले वो कम हो गई, क्योंकि भगवान ने अगर फोरस्किन बनाई है तो किसी कारण से ही दी होगी। बट बात यह है कि काफ़ी बार इसको निकालना मजबूरी हो जाती है, मेडिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि इसको दवाई से ठीक किया जाए और उस कंडीशन में हमें सर्कमसीजन को चूज़ करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं पार्शल सर्कमसीजन क्या होती है। पार्शल सर्कमसीजन में हम सिर्फ वो हिस्सा आगे स्किन का निकालते हैं जो कि टाइट है। अब आमतौर पर इसको करने के लिए लोग क्या करते हैं कि पूरे स्किन के हिस्से को कुछ क्लैंप से बांध के उसको खींच के और कुछ हिस्सा उसका काट देते हैं और फिर अंदर की चमड़ी और बाहर की चमड़ी का एक नया जोड़ बना देते हैं जिसके लिए हम घुलने वाले टाखों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह के पार्शल सर्कमसीजन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है मेरे पेशेंट्स को जिन्होंने बाहर कहीं कराया है, वो ये है कि ये स्किन की जो नई रिंग बनी है ये वापस टाइट हो जाती है, क्योंकि कोई भी घाव जो होगा तो वो भरेगा तो स्कार बनता है और वो स्कार थोड़ा टाइट होता है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या आती है कि जहाँ पर वो थे उससे भी बदतर स्थिति में बाकी काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये स्किन की जो रिंग नई बन गई है वो इतनी टाइट है कि अब पहले तो कुछ स्किन पीछे जा रही थी, अब वो बिल्कुल जाना बंद हो जाती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पार्शल सर्कमसीजन की ही डिमांड करते हैं, हमने IPC का इजाद किया था, यानी कि इंटर्न प्रीट्यूशल सर्कमसीजन। इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि जो इनर पार्ट ऑफ फोरस्किन है उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं और बाहर की स्किन को ही अंदर की तरफ मोड़ के अंदर लगाया जाता है, ताकि जो रिंग बने वो नेचुरल स्किन की बाहर की तरफ रिंग बने, ना कि बाहर एक नई रिंग बने स्कार वाली। तो अब जब आप इसमें पीछे करते हैं स्किन को तो जो आउटर स्किन है वही रोल होकर पीछे आती है और जो रिंग एक्चुअली स्कार वाली बनती है वो लिंग के कोरोनल सर्कस के पीछे बनती है। तो उसमें जो फोरस्किन के आगे का रिंग टाइट होने का प्रॉब्लम था वो इसमें बिल्कुल नहीं आता है। साथ साथ पेशेंट्स जो हैं सेंसिटिविटी को बेटर एंजॉय करते हैं, लुक वाइज लगता नहीं कि उनका ऑपरेशन हुआ है। अब पार्शल सर्कमसीजन वही लोग चुन सकते हैं जिनको कोई बीमारी ना हो लिंग के अंदर, यानी कि कोई इन्फेक्शंस ना हो या पूरी स्किन जो बाहर की है वो ख़राब ना हो गई हो या ऐसी कोई बीमारी ना हो, जैसे कि हम कहते हैं BXO होता है, लाइकन स्क्लेरोसिस होता है, जो कि ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर स्किन जो है अपने आप से ही लड़ती है और फिर वहाँ पर स्कारिंग होती चली जाती है, जो स्किन है वो पिंक होती चली जाती है और टाइट होती चली जाती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप पार्शल सर्कमसीजन को भली भांति चूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर एक अच्छा डिसीजन ही रहेगा, आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर इसमें क्योंकि फिर से हमें स्किन थोड़ी रोल होकर आ जाएगी तो सफाई रखनी पड़ेगी, पूरे मेजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कंप्लीट सर्कमसीजन पर जाएं, या जिनको डायबिटीज़ है या जिनको BXO है या कोई और ऐसी बीमारी है जो कि आगे प्रोग्रेस कर सकती है, तो जो पूरा अपना स्किन निकालना चाहते हैं उनके लिए हम फिर कंप्लीट सर्कमसीजन को ऑफर करते हैं। और कंप्लीट सर्कमसीजन को करने के भी 3 प्रमुख तरीके हैं। एक तरीका तो दोस्तों ये है कि हम जो है पूरे ही पूरी स्किन को ब्लेड से कट कर देते हैं, जिसमें हम एक स्कैल्पल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो ये जोड़ बनता है उसको घुलने वाले टाँकों से बांध देते हैं। और आमतौर पर टाँके 7 से 10 दिन में निकल जाते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, पर क्योंकि पूरा ग्लैंड बाहर आ जाता है और ये सेंसिटिव हिस्सा होता है तो इस पर एक पट्टी हमें लगा के रखनी होती है 2 हफ्ते तक के लिए।
आमतौर पर इस प्रोसीजर को करने में करीब 15 मिनट का समय लगता है और ये बहुत आसान पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें कोई दिक्कत मरीज को नहीं आती है। आफ्टर रिकवरी ऑल्सो जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद भी कोई मेजर पेन पेशेंट को नहीं होता है, सिर्फ सुबह उठने पे जब थोड़ा लिंग में तनाव आता है तब थोड़ा बहुत खिंचाव वहाँ महसूस हो सकता है, पर क्योंकि हम एक टाइट पट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर ये भी बहुत बेरेबल होता है और इवेंचुअली पेशेंट जो है खुद पट्टी करना सीख लेते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट तरीका इसके लिए जो बहुत प्रचलन में आ गया था बीच में, वो था स्टेपलर सर्कमसीन, यानी कि एक ऐसी डिवाइस थी जिसको हम डायरेक्ट पीनिस के ऊपर लगा देते हैं और फोरस्किन जो है वो एक गोलाकार में कट जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि स्टिचेस का इस्तेमाल नहीं होता, यानी टाकों का इस्तेमाल नहीं होता, ये स्टील की पिंस का इस्तेमाल किया जाता है और एक सिलिकॉन की रिंग होती है उसके ऊपर ये पिंस लग जाती हैं और ये पिंस फिर धीरे धीरे सिलिकॉन रिंग के साथ धीरे धीरे निकल के अपने आप गिर जाती हैं। आमतौर पर इसको गिरने में अगेन 7 से 10 दिन का समय तो लगता ही है, कभी कभी 2 हफ्ते का समय भी लग जाता है, जैसे कि टाँखों को भी लग जाता है। पर दिक्कत ये आती है कि ये एक स्टील की पिन है, यानी कि ये हमारे खाल पे इस एक सेंसिटिव एरिया में हम एक स्टील की पिंस को लगा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक जगह स्टील की पिन हम यहाँ लगा रहे हैं और एक जगह हम मुलायम धागे लगा रहे हैं, तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे। दिक्कत तब आती है जब ये स्टील की पिन कभी कभी अंदर रह जाती है या गिरती नहीं है या पूरी सिलिकॉन रिंग जो है वो झड़ती नहीं है, फिर उसको लटकी रहती है और मरीज को तंग करती है, फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई पिन जो है अंदर छूट जाती है और फिर एक पूरे ऑपरेशन द्वारा ही उसको निकाला जाता है, टांके की तरह इसको काट नहीं सकते। तो ये इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम है स्टेपलर सर्कमसीजन के साथ, बट एडवांटेज भी हैं जब हर चीज़ के कोई फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। तो फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये एक ब्लेड है, सर्कुलर ब्लेड है, तो जो इसके अंदर कटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे कि कोई एक्सपीरियंस सर्जन जिस तरह से ब्लेड से कट करता है उसी तरह की कटिंग आपको एक स्टेपलर से भी मिल सकती है। इसके अलावा जो इसका फ़ायदा रहता है वो ये है कि बहुत जल्दी ये सर्जरी हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। पर हाँ, अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करें, थिएटर में आना, सुन करना, सुन का असर आने का वेट करना, और फिर तो कुल मिला के 5 ही मिनट का फ़र्क पड़ता है। पूरा जो प्रोसेस है 2 घंटे हॉस्पिटल में रहने का, इसमें 5 मिनट कोई खास मायने रखते नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं, स्टेपलर से ही कराना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, विश्वसनीय तरीका है, और अब इंडियन स्टेपलर भी इसमें अवेलेबल हैं जो और भी बेहतर क्वालिटी पेशेंट को दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड तरीका होता है वो है लेज़र सर्कमसीजन, यानी कि हम कटिंग करते हैं ब्लेड से नहीं बट लेज़र के फाइबर से, और इसमें बहुत तरह की लेज़र्स अवेलेबल हैं। डायोड लेज़र से कटिंग होती है, हॉलम्यूम लेज़र से कटिंग होती है, और कई लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से भी कटिंग करते हैं। जब ये लेज़र्स कट करती हैं तो इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि ब्लीडिंग जो है वो नाक के बराबर होती है, क्योंकि लेज़र जो है बर्न करते हुए काटती हैं, और फिर इसमें वापस टाँकों का इस्तेमाल करते हैं उस जोड़ को बिठाने के लिए। तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि लेज़र सर्कमसीजन में कोई टाँके नहीं आते या कोई कट नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस किस तरह से हम काट रहे हैं, हम उसको ब्लेड से काट रहे हैं या कैंची से काट रहे हैं या स्टेपलर से काट रहे हैं या फिर हम उसको लेज़र से काट रहे हैं, बस यही फ़र्क है। जो इसमें करने का तरीका है, यानी जो बेहोशी का तरीका है, वो बिल्कुल सेम होता है। एक क्रीम लगाई जाती है, उसके बाद फिर हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं और उस पूरे एरिया को नम कर देते हैं। उसके प्रोसेस में भी अगेन 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जो प्रोसीजर को करने का समय है, वो चाहे हम लेज़र से करें, चाहे हम उसको सिजर्स या स्कैल्पल से करें, उनमें 10 मिनट का समय लगता है। अगर स्टेपलर से करते हैं तो उसमें 5 मिनट का समय लगता है। और दोस्तों उसके बाद जो रिकवरी होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हीलिंग होती है, वो बिल्कुल सिमिलर होती है। कई बार लेज़र्स में अगर अच्छी क्वालिटी की लेज़र ना हो तो वो बर्न ज़्यादा करती है, या हमारी सेटिंग्स अगर ठीक ना हो तो फिर जो स्कार आता है वो थोड़ा सा ख़राब स्कार हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा मोटा हो सकता है, धीरे धीरे करके वो पतला होने में उसे 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। बट अगर हम ब्लेड से कट करते हैं या फिर स्टेपलर के ब्लेड से कट करते हैं, इन दोनों स्थितियों में जो स्कार है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला और नाक के बराबर दिखने वाला स्कार बनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन सब विधियों के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, इनकी सच्चाइयों के बारे में पता लगा होगा। ये सिर्फ तरीके हैं चीज़ को करने का, सबसे ज़रूरी हमारे लिए जानना ये है कि हमें टोटल सर्कमसीजन कराना है या हमें पार्शल सर्कमसीजन कराना है। अगर पार्शल सर्कमसीजन आप कराते हैं तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि टेक्निक क्या इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आप टोटल सर्कमसीजन कराते हैं तो क्या टेक्निक करी गई है इस्तेमाल, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट रिजल्ट जो है आप 3 से 6 महीने बाद जब देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। अब दोस्तों आगे की चर्चा जो रहेगी वो इसकी कॉस्ट पे होती है। तो आमतौर पे जो लेज़र सर्कमसीजन है काफ़ी महंगा सर्कमसीजन होता है, क्योंकि इसमें लेज़र डिवाइस जो होती है उसकी एक कॉस्ट ऐड हो जाती है। इसी तरह से जो स्टेपलर सर्कमसीजन है उसके अंदर भी नॉर्मल सर्कमसीजन थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि जो स्टेपलर है ये भी एक अपने आप में एक चीज़ है, इसको हमें कहीं से मंगाना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट होती है। तो सबसे सस्ता और सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ जो तरीका है वो है स्टैंडर्ड क्लासिकल सर्कमसीजन, जिसमें हम पूरी की पूरी स्किन को ब्लेड द्वारा या कैंची द्वारा निकाल रहे हैं। ये है कंप्लीट सर्कमसीजन की बात। अगर आप पार्शियल सर्कमसीजन में इंटरेस्टेड हैं तो इंश्योर करें कि इस तरह का सर्कमसीजन हो जिसमें जो टाइट रिंग है वो आगे की तरफ ना बने, पीछे की तरफ बने, और जैसे कि हमारा आईपीसी का एक प्रोसीजर है उसको आप
और डिटेल में समझ सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं आईपीसी के बारे में, और भी इसके अलावा तरीके होते हैं जैसे कि डॉर्सल स्लेट, यानी कि एक सिंगल कट लगा के हम लिंग की चमड़ी को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, जो देखने में काफ़ी भद्दा लगता है लेकिन जो स्किन को पीछे करने वाला काम है वो हो जाता है। तो बूढ़े लोगों में जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करें वहाँ इसको किया जाता है। अगर बहुत एक पर्टिकुलर पतला सा एरिया है जहाँ पे आपकी टाइटनेस है तो उसको प्रिप्यूशियोप्लास्टी द्वारा भी सही किया जा सकता है। इनके बारे में और वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमसे थोड़ा सा जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो उनको आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं।